जानती है कि आपके मानव अधिकार क्या है? जी हाँ, मुझे समाज में जीने का अधिकार है, मुझे समाज में शिक्षा का पूरा अधिकार है, मुझे बोलने का अधिकार है। मुझे अपने मानव अधिकारों के बारे में ये पता है कि मैं चाहती हूँ कि मैं किसी से झुकने की कोई मुझे जरूरत नहीं है, तो मैं खुद आगे बढ़ूँ और सबको लेकर साथ। हाँ, थोड़ा बहुत जानकारी है, पता है मतलब। क्या आपके बच्चों को सरकार के द्वारा शिक्षा की सुविधा प्राप्त हो रही है? सरकार के द्वारा नहीं शिक्षा प्राप्त हो रहा है, लेकिन हम अपने तरफ से उनको प्राइवेट में पढ़ा करके बीएससी कर लिया और हमारी लड़की जो है बीए कर लिया। बच्चे उनको पढ़ाई लिखाई अच्छे से मिल रही है, पढ़ रहे हैं मेरे बच्चे। एक मेरी बेटी है थर्ड ईयर क्लास में कॉलेज में, और एक है मेरी एमबीए में, दोनों अच्छे से पढ़ लिख रही है। दोस्त तीसरा बच्चा जो है वो एडमिशन हुआ है, अभी क्लास जाने लगी। यस मैम, और क्या आप इससे संतुष्ट हैं? हाँ मैम, मेरे बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, मैं इससे बहुत संतुष्ट हूँ, खुशी मिल रही है। जी हाँ, हमारे यहाँ जो बच्चे स्कूलों में जाते हैं, सरकार द्वारा दी जाने वाली शिक्षा प्राप्त हो रही है, बट जो स्कॉलरशिप मिलती है बच्चों को, जिन लोगों के लिए वो आती है उन लोगों तक पहुँचती नहीं है। मैं चाहती हूँ कुछ लोगों तक पहुँचती है, कुछ लोगों तक नहीं पहुँच पाती है, तो जिन लोगों को वो हक है वहाँ तक पहुँचना चाहिए। मैं चाहती हूँ सरकार आगे ऐसा कुछ करे, स्कॉलरशिप दे, कि जो गरीब बच्चे पैसे की वजह से रह जाते हैं, तो उन बच्चों को शिक्षा मिले। जी सर, कराई जा रही है, मेरे बच्चे अच्छे सरकारी स्कूल में भी पढ़ रहे हैं और प्राइवेट में भी पढ़ रहे हैं, अच्छी शिक्षा दी जा रही है, मिल रहे हैं। दो बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं सरकारी में, वो पढ़ाई कर रहे हैं दो बच्चे सरकारी में। कि आपने आज तक अभी आर्थिक स्थिति या जाति की वजह से किसी तरह का भेदभाव या असुविधा का सामना किया है? नहीं सर, अभी तक मुझे आर्थिक स्थिति या किसी के भेदभाव में अभी तक मैंने कुछ ऐसा नहीं देखा। जी हाँ, काफ़ी बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि जाति की वजह से मुझे इस चीज़ का सामना करना पड़ा है, बट आज का टाइम बदल रहा है, आज के टाइम सबको एक समान देखा जाता है, तो अब ऐसा नहीं होता। ऐसा कोई सामना नहीं करना पड़ा अभी, ये सब सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन बहुत लोग तो देखते हैं जो होता है मोहल्ला में, लेकिन ये हमारा साथ ऐसे कुछ नहीं हुआ। जब भी आपके घर में कोई भी महत्वपूर्ण फैसला लिया जाता है, तो आपकी या अन्य महिलाओं की राय को प्राथमिकता मिलती है? हाँ, पति अच्छे से मानते हैं, पति की हम सुनते हैं, वो हमारी सुनते हैं, बच्चे इनकी भी राय लेनी पड़ती है, और अच्छे से हम दोनों रिलमिन के दोनों सारे मतलब अच्छे से रहते हैं, राय हम दोनों लेते हैं, वो भी हमारी लेते हैं, हम भी उनकी लेते हैं। हाँ, हम उनसे राय लेकर ही काम करते हैं और प्राथमिकता देते हैं हम लोगों को, और आगे भी जो है हम जो भी काम करेंगे हम उनसे सलाह लेकर काम करते हैं। सभी को शामिल किया जाता है, जब उनकी राय पूछ लेते हैं तभी हमारे घर में कुछ ऑप्शन उस पर ठहराया जाता है। जी हाँ, हमारे घर में अगर कोई फैसला लिया जाता है तो ये नहीं सोचा जाता कि ये लड़की है तो हम इससे क्यों पूछें, हमें भी बिठाकर हमसे भी पूछा जाता है, और अगर उन्हें हमारी बात सही लगती है तो उस पर डन कर दिया जाता है कि हाँ इन्हें। कोई भी नया काम करना जाता है, माता पिता परिवार से सलाह लिया जाता है कि इसको ये काम आगे बढ़ाया जाए। क्या आपको अपने जीवन में किसी प्रकार का अत्याचार या हिंसा का सामना करना पड़ा है? मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मैंने देखा है कुछ लोगों को अपनी वाइफ को मारते पीटते हैं, तो मैं उनसे यही कहती हूँ, जैसे वो बेचारी रोती हैं तो मैं कहती हूँ आंटी ऐसा जुल्म नहीं होना चाहिए किसी पे भी, जुल्म करने से बड़ा जुल्म सहने वाला होता है। मैं उनसे ये बोलती हूँ कि आप बोलो ना कि क्यों मारते हो मुझे। नहीं, हमें तो कई बार हिंसा का सामना करना पड़ा है, लेकिन हम उससे जो है हम अपने आप को नर्वस नहीं हुए और आगे बढ़ते गए। नहीं, मुझे हमें नहीं करना पड़ा। आपके आसपास किसी को आपने देखा है जो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे आसपास पड़ोसी सब बहुत अच्छे हैं, हम भी उनके साथ में अच्छा व्यवहार करते हैं, वो भी हमारे साथ में अच्छा व्यवहार करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि भविष्य में जाके आपके जो बच्चे हैं वो आपसे बेहतर ज़िंदगी जी पाएंगे? लगता है, जो बच्चे लिए हम मेहनत कर रहे हैं तो लगता है कि मेरे बच्चों आगे बढ़ के पढ़ाई लिखाई करके कुछ अच्छे बढ़िया काम जरूर करेंगे, क्यों तो हम बच्चे लिए जो कर रहे हैं ना, सब बच्चे के लिए कर रहे हैं। हाँ, हमारे बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं और बीएससी कर चुके हैं, लड़की हमारी बीए कर लिया, इसके बाद अपना घर में काम कर रहे हैं, कुछ अच्छी लाइफ हो उनकी, हमसे अच्छे बेहतर जी में, हम सब लोगों की दुआ उनके साथ रहे, और जो हम कर रहे हैं उनसे भी अच्छे बेहतर हमसे जी में, अच्छे से अपनी लाइफ में वो तरक्की लें। जी सर, उन्हीं के लिए कर रहे हैं, उन्हीं को चाहते हैं कि अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, अच्छी से अच्छी शिक्षा दें, कुछ कामयाबी की ओर तरह जाएं। लगता है मैं सोचता हूँ हम लोग से आगे हम लोग के बच्चों का भविष्य बने।
हम लोग मेहनत ही अपने बच्चों के लिए करते हैं। आज के टाइम में पढ़ाना लिखाना बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई लिखाई। हम चाहेंगे हमारे बच्चे हमसे बेहतर ज़िंदगी जिए। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे मुझसे खुद आगे बढ़े, कुछ अच्छी पोस्ट पर कुछ बने।